चूँकि पश्चिम ऋषियों का प्रभाव हमारे पास बना रहेगा और इस साथ साथ पूर्वी हवाएं भी हमारे पास आ रही हैं, तो इनका जो है प्रभाव जो है 19 तारीख को 18 तारीख की रात में और 19 तारीख की सवेरे से पड़ना शुरू होगा। तो उसके एसोसिएशन में जो है 19 तारीख को जो हमारे पास दिल्ली का एरिया है, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी और जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर हमारे पास अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना है। थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और आपके पास तेज़ हवाएं चलेंगी जो कि 50-70 किलोमीटर तक हो सकती हैं, और ये एक्टिविटी हम जो अगले 3-4 दिनों में हाईएस्ट होगी। सर एक और चीज़ बताइए कि इस बार थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके साथ ही एक्टिविटी ज़्यादातर होती रहती है, लेकिन अगर उसके बाद कोई दूसरा सिस्टम एक और मिल जाता है तो जैसे अभी आप देखेंगे दूसरा सिस्टम तो नहीं, लेकिन साथ साथ ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं जो कि हमारे पास बंगाल की खाड़ी से आ रही है और नमी लेके आ रही हैं, और साथ ही साथ इतना सफिशियंट अमाउंट का हमारे पास हीटिंग भी अब डे टाइम में हो जा रहा है कि देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहे हैं, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन बन जा रही है जिसकी वजह से एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा इंटेंस हो रही है। सो आप देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी 3-4 एक्टिविटी हो चुकी है दिल्ली NCR में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और 19 तारीख को एक और एक्टिविटी होने की संभावना। सर जो 19 तारीख की जो एक्टिविटी है उससे क्या सतर्क रहने की जरूरत? हाँ, निश्चित तौर पे हम लोगों ने इसके लिए वार्निंग दे रखी है कि उत्तर प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का जो एरिया आपका भरतपुर अलवर कह सकते हैं और जो आगरा मथुरा के आसपास का एरिया है, दिल्ली NCR और वेस्ट यूपी का एरिया है, वहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी हो सकती है।